कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तूफान आने वाला है। आज का दिन है फाइटर फिल्म का टीजर का अनाउंसमेंट डे, तो बताएंगे अनाउंसमेंट के बारे में, कब तक आपको देखने को मिलेगा अनाउंसमेंट, और बात करेंगे दोस्तों एनिमल फिल्म के कलेक्शन के बारे में, पूरा फाड़ के कलेक्शन हो रहा है एनिमल फिल्म का, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। गाइस पहले बात करते हैं एनिमल फिल्म के बारे में, तो फिल्म का फर्स्ट डे का कलेक्शन हुआ था 63 करोड़ 80 लाख का, सेकेंड डे का नेट कलेक्शन हुआ 66 करोड़ का, और कल यानी संडे का कलेक्शन लगभग हुआ है 72 करोड़ का। ऐसे में 3 दिन में 202 करोड़ का नेट कलेक्शन हो चुका है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है लगभग 300 करोड़ का, मतलब 3 दिन में 300 करोड़ हो चुका है। हर दिन 100 करोड़ का कलेक्शन हुआ है एनिमल फिल्म का। बात करें फाइटर फिल्म के बारे में, तो आप सबको पता है आज टीजर का अनाउंसमेंट होगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टीजर का अनाउंसमेंट 4 तारीख को हो जाएगा, और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि टीजर 7 दिसंबर को रिलीज होगा, और उस समय बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरा अपडेट कभी भी गलत नहीं होता है। हालांकि फाइटर की टीम ने बताया है कि आज के दिन यानी 4 दिसंबर को टीजर का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बात करें कब तक आपको देखने को मिलेगा टीजर का अनाउंसमेंट, तो वैसे तो कोई भी ऑफिशियली टाइम नहीं आया है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 12 बजे से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें ऋतिक रोशन का, कल के दिन एक वीडियो सामने आया था जिसमें ऋतिक रोशन टी शर्ट पहने हुए है और उस पर लिखा है फाइटर, और टी शर्ट का कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई अगर ये टी शर्ट मार्केट में आ गया तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम सबको भी पहनना है भाई फाइटर का टी शर्ट। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हो आज के लिए लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।